वालेकुम जी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर वन चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन अ फ्री स्पेस। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन, कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या इसमें चल रहे होते हैं, यानी किन थ्योरीज के ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट बेस कर रहा है, तो वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे कि ऐसी ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फोर्सेस के आपस के ताल्लुक को देख रही होती है। यानी इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगी मैकेनिकल, और फिर उनके आपस के इंट्रैक्शन में भी देखेंगे। फिर आपके पास दूसरे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन के बारे में हम देखेंगे, कि यानी अब आप कह सकते हैं करंट हो गया, चार्जेस हो गए, उनके साथ जो फील्ड बनेगी उनकी इंट्रैक्शन के बारे में हम इस पर डिटेल में देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपके पास डायनेमिक्स है, स्टडी है डायनेमिक चार्ज चलते हुए चार्जेस की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जो उसके नतीजे में बनेंगी उसकी वजह से। मैंने आपको बताया था चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिज्म बनाता है, और जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। तो अब हम इसमें वो सारे लॉज और प्रिंसिपल देखेंगे जो इस सब का बिहेवियर बताएंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का और उनके इंट्रैक्शन का मैटर के साथ। फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी ब्रांच है जो आप जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझते हैं, करंट्स को समझते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और कैसे ये फील्ड इर्द गिर्द वाले दूसरे चार्जेस को इन्फ्लुएंस करेगी। तो ये सारी एक तरह से डेफिनेशन ही है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम देखें कि किन असूलों पे ये खड़ी होती है, की कंसेप्ट या कौन सी इसकी फाउंडेशन थ्योरी है जिसकी बुनियाद पे हम सारा सब्जेक्ट ये पढ़ेंगे, तो सबसे बुनियाद तो कूलम लॉ आता है। कूलम लॉ बेसिकली दो चार्जेस के बीच की फोर्स को समझाता है, म्यूचुअल फोर्स होती है, कि भाई आपके पास दो चार्जेस किस तरीके से, पूरी डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स, कैसे क्या सुपरपोजिशन वगैरह। फिर लॉरेंस फोर्स आ जाती है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगी होती है और उसके बीच में चार्ज आ जाए, तो चार्ज जब चलता है तो उसका बिहेवियर, उसका सारी पाथ वगैरह सारा देखेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, के कैसे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाई जा, इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा सकता है, यानी जनरेटर का जो बेसिक कंसेप्ट होता है। फिर आखिर में सबसे अहम मैक्सवेल इक्वेशन इसमें अहम किरदार अदा करती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, मैक्सवेल मानो, जिसमें आपके जो सारी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के चार बुनियादी लॉज हैं उनको यूनिफाई कर दिया जाता है, एक तरह से कोहरेंट थ्योरी बना दी जाती है। तो हम कह देते हैं कि भाई इसके अलावा इसमें हम लाइट को भी ले आते हैं कि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम कहते हैं यूनिफिकेशन हुई लाइट ऑप्टिक्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ, जिसकी वजह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्वांटम आपके वो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट शुरू हो गई। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लफ्ज और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लफ्ज अक्सर आप सुनेंगे, तो हम कहेंगे कि थ्योरेटिकल फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को स्टडी करते हैं कि कैसे चार्जेस और करंट इंटरेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और उनकी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि वो स्पेक्ट्रम सेम फिनोमेना के। अब हम इसमें क्वांटम इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो अब आपके पास अगर हम एडवांस एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन तो आप कह सकते हैं कि इंतहाई है इसकी, तो आपके पास निमोरियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसने दुनिया को बदल दिया। अगर हम कहें कि इम्प्लीकेशन क्या क्लासिकल की, तो हम कहेंगे वेरियस सेक्टर है जिसमें टेली कम्युनिकेशन है, पावर जनरेशन है, हेल्थ केयर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम कह सकते हैं मोटर्स में आ जाती है, जनरेटर्स में, ट्रांसफार्मर, एंटीना। फिर आपके पास हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है मेडिकल इंजीनियरिंग MRI के अंदर। फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टारगेटेड थेरेपी में इस्तेमाल होती है, तो इस तरह बेशुमार इसके यूजेस हैं। अब दूसरी थ्योरीज के साथ जब हम इसमें देखते हैं तो सबसे अहम है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। अब हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर बेशुमार थ्योरियां आती हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी शामिल है, जो ऐड करती है कि किस तरह फंडामेंटल पार्टिकल आपको समझाए जा सकते हैं और उनके यूनिवर्स के साथ जो इंट्रैक्शन है, तो उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सहारा भी आता है उन पार्टिकल्स को समझने के लिए। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वहां पे एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें जाहिर सी बात है रिलेटिविस्टिक क्वांटम फील्ड ले ली जाती है जो कि डिस्क्राइब करती है लाइट को, मैटर को और एटॉमिक लेवल के ऊपर ले जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक बेसिक सा
आउटलाइन अब आपके सामने है कि हमारे प्रसाद में क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम कहते हैं, उसमें हम सारा इलेक्ट्रो फोर्स से कैसे फील्ड निकाली जा सकती है, फ्लक्स से कैसे फील्ड निकाली जा सकती है, पोटेंशियल से कैसे फील्ड निकाली जा सकती है, तो ये बेस होगी हमारी। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चले जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक है, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।